हाय दोस्तों, मैं आपका होस्ट ऑप्टिमस प्राइम स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्लैशिंग अड्डा में। दोस्तों, ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जो मेरे दोस्त लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिल्डर बेस में, अटैक अच्छे से नहीं कर पा रहे, बोनस नहीं मिल रहा है और उनके अपग्रेड्स भी अटके हुए हैं, वो कौन सा अटैक स्ट्रेटेजी यूज़ करे जो सबसे ज़्यादा उन लोग का जीतने का चांस बनाएगा। तो गाइस, मैं वो स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा, रिप्ले भी दिखाऊंगा आपको, तो आप बने रहे एपिसोड में लास्ट तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूंगा, जो नए हैं मेरे चैनल में वो मेरे को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, ये बिल्कुल फ्री में है और इसमें फ़ायदा आपका ये है कि आप मेरे साथ परमानेंटली कनेक्टेड हो जाएंगे और ऐसे वीडियोज़ के अच्छे नोटिफिकेशन आपको कॉन्टिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो जो इस वीडियो का टॉपिक था वो था कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटल्स जीत सके बिल्डर बेस में, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है अटैक का। देख सकते हैं, मास बेबी ड्रैगन मेरा रेडी है, लेवल 10 के बेबी ड्रैगन है। मैं अभी बिल्डर बेस 5 में हूँ और जो बैटल मशीन है वो भी 5 लेवल का, यही मैक्स है इस बिल्डर बेस पे। तो गाइज, करना कुछ नहीं है, आपको टारगेट रखना है कि 2 स्टार और हायर डैमेज, और नहीं तो 3 स्टार। तो करेंगे कैसे आप, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ, मैं आपको एक अटैक दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। गाइज, ये वाला रिप्ले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको पॉज करके दिखा देता हूँ। गाइज, ये बिल्डर बेस 6 था, मेरा तो बिल्डर बेस 5 है, तो ये डिफेंसिवली मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग था। यहाँ पे देख सकते हैं, 2 क्रशर है उसका और यहाँ पर रोस्टर भी उसके पास है, जो मेरे पास ये नहीं है, पर फिर भी मैंने उसको 3 स्टार कर दिया 100%। ताकि कैसे, ये बेबी ड्रैगन के यूज़ से। गाइज, बेबी ड्रैगन का यूज़ बहुत ही सीधा साधा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको धीरे धीरे पहले फनलिंग करना है। अब हड़बड़ाए मत, सब बेबी ड्रैगन एक साथ मत छोड़ दीजिए। आपका जो पहला 2 मेन दुश्मन है बेबी ड्रैगन का, वो एक रोस्टर है, क्योंकि वो मल्टी टारगेट को मारता है। एक बार में 2, 3, 4 जितने भी उसके रेंज में आते हैं, सब बेबी ड्रैगन को एक साथ डैमेज पहुंचाता है। और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है ये बम, एयर बम, तो ये दोनों से बच के रहना है। तो इसीलिए गाइज, आप जल्दी से ये दोनों को जितना जल्दी आप एलिमिनेट कर सके, जितना जल्दी आप डाउन कर सके, उतना जल्दी होगा, आसानी होगा आपको। और ये जो एयर डिफेंस है गाइज, ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक तो सिंगल टारगेट है, दूसरा इनका डैमेज भी बहुत कम है। तो देख सकते हैं अब मैंने क्या किया है, मैंने बैटल मशीन के इस्तेमाल से साइड के थोड़ा सा फनलिंग करने की कोशिश की है, ताकि मेरे बेबी ड्रैगन अंदर जाएं। तो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही बैटल मशीन और इस साइड से मैंने एक बेबी ड्रैगन थोड़ा सा फनलिंग किया। आप बेबी ड्रैगन ऐसे उतारें ताकि आपका रेज्ड हो, अगर रेज नहीं होगा तो आपका काम इतना अच्छे से नहीं होगा। तो देख सकते हैं, मैं रोस्टर को हटाने के लिए मैंने एक बेबी ड्रैगन वहाँ पे यूज़ किया है, और देख सकते हैं रोस्टर को कितना जल्दी उसने एलिमिनेट कर दिया, और बाकी के जो बेबी ड्रैगन से आप आराम से उतारे धीरे धीरे से, ठीक है। ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो बेबी ड्रैगन एक एक करके मर जाएगा, और ज़्यादा जल्दी उतार देंगे तो रेज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ पे बीच में रेज हुए हैं 2 बेबी ड्रैगन। तो ये एक मरते ही, और एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, पर उतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार ये एयर बम हट जाए तो और कोई प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, एयर डिफेंस को उतारने के हटाने के लिए मैं एक एक करके बेबी ड्रैगन यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज, ये वाला जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही अच्छा क्लीन स्ट्रेटजी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बैटल जीतने का एक चांस मिलेगा। तो गाइज, पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप बेबी ड्रैगन बहुत संभाल के उतारे, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा और आपके बेबी ड्रैगन रेज नहीं होंगे और आप 3 स्टार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी एक बेबी ड्रैगन अभी भी मेरा बचा है और सब एयर टारगेट डाउन हो चुके हैं, मतलब ये इजी 3 स्टार है। तो गाइज, ये वाला जो स्ट्रेटजी है आप ज़रूर काम पे लगाएं, और इस स्ट्रेटजी से मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटल्स जीत सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये अटैक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। गाइज, तब तक के लिए थैंक यू।